यहाँ ये जो राहुल गांधी जी की कल शाम को 4 बजे राहुल जी की यात्रा, राहुल जी की आंधी कन्याकुमारी से लेकर पूरे हिंदुस्तान से होते हुए हर मोड़े के, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक लेवल पे, जो पूरे देश के अंदर यात्रा करके कल जो आंधी राहुल जी की आएगी भारत छोड़ो, वो लखनपुर जैसे ही यहाँ पहुँचेगी, यहाँ हजारों के हिसाब से जम्मू कश्मीर की जनता, खास करके डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जनता, उनके वेलकम के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं, बड़े जोशों के साथ यहाँ उनका वेलकम करेंगे। अभी आपने देखा जहाँ हमारी AICC की जनरल सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी मैडम जी, वो अभी यहाँ 15 मिनट पहले यहाँ से ये पूरी तैयारियाँ देख के, यहाँ उनके साथ छह प्रभारी हमारे और उनके साथ हमारे बाकी यहाँ जितने भी साथी, यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश के पूरी टीम, रमन बल्ला जी वर्किंग प्रेजिडेंट साहब, बकार रसूल वानी जी, उनके साथ पूरी टीम और जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, NSUI सेवा दल, यूथ कांग्रेस, सारे ही इस यात्रा के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। जैसे ही राहुल गांधी आए, बड़े जोरों शोरों से उनका स्वागत करेंगे। और जो बात कह रहे हैं, मैं पूरी जनता को आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ, सारे लोग कल यहाँ 4 बजे यहाँ लखनपुर के अंदर पहुँचें, और राहुल जी का जो मिशन भारत जोड़ो नफरत छोड़ो देश को जोड़ो, वो जो मिशन है उन्होंने भाईचारा देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई सबको जोड़ने के लिए, और ख़ास करके युवाओं को, जो बेरोजगार, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जो रोजगार पैदा नहीं सरकार कर रही, उसके ऊपर महंगाई के खिलाफ, इस देश के अंदर कितनी महंगाई हो गई उसके खिलाफ राहुल जी की बात सुने जहां आके। मैं पूरे आवाम को, पूरे जिला वासियों को अपील करता हूं कि वो आके उनकी सुने, कैसे एक नौजवान पूरे कन्याकुमारी से, पहले सुना जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन इस बार कन्याकुमारी से कश्मीर राहुल जी यहाँ आ रहे हैं, और देश के अंदर भाईचारा, जो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी आके यहाँ बात सुने। हमारे साथ एक